हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है, शोल्डर है 5 इंच, आर्महोल है 5.5 इंच और ये ब्लाउज 34 साइज पे है, 34 साइज पे। 34 का 1/4 लेंगे 8.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन के लिए। कमर का 1/4 लेंगे 1 इंच टक्स के लिए, 1.5 इंच मार्जिन के लिए। गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच। गले की लेंथ रखेंगे 10 इंच और नीचे से गली की चौड़ाई 3.5 इंच रखेंगे और निशान को बराबर में इस तरह से मिला देंगे और नीचे के साइड हम डिज़ाइन के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमें तिरछे में निशान को लगाना है और ये इसकी लेंथ देखिए, हमने यहाँ पर 5.5 इंच रखा है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 इंच और बढ़ा के, यानी 1/2 इंच अंदर के साइड मैंने करते हुए इस निशान को लगाया है, क्योंकि हमने यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखा है। अगर आप चौड़ाई ज़्यादा पहनते हो तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने टोटल 5 इंच रखा है चौड़ाई में और राउंड में इस नेक वाले डिज़ाइन को मिला दिया है ऊपर के साइड। और फिर इसी निशान पर गले की कटिंग कर लेंगे और अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक की रॉन्ग साइड यानी उल्टी साइड ऊपर की ओर रखेंगे और ऊपर से अस्तर कपड़े को बराबर में रखेंगे और अच्छे से चारों तरफ पिनअप करते हुए चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, यानी दोनों फैब्रिक को जॉइंट करेंगे कॉर्नर की सिलाई करते हुए कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं, मैंने चारों तरफ अच्छे से पिनअप कर लिया है ताकि फैब्रिक के कोई भी पार्ट इधर उधर ना हो सिलाई करते वक्त। तो आप देख सकते हैं, मैंने दोनों फैब्रिक को जॉइंट कर लिया है। अब हम सेंटर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे इस तरह से। और इस पर देखिए, अब हम साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी कट कर लेंगे चारों तरफ। तो आप देख सकते हैं, मैंने चारों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इसे देखिए, सेंटर से बराबर में फोल्ड करेंगे और हमें लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए नीचे के साइड इस तरह से बराबर में रखेंगे और अच्छे से गले पे निशान लगा लेंगे। अच्छे से पहले पिनअप कर लेंगे इस तरह से और फिर गले का निशान हम बराबर में पेपर पेस्टिंग पे इस तरह से कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने गले की मार्किंग कर लिया है पेपर पेस्टिंग पे और अब इसके साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें कट कर लेना है और इसे बराबर में फैला लेंगे। और हमें लेना है अस्तर का फैब्रिक, यानी इस तरह से देखिए, अस्तर फैब्रिक को ऊपर से हमें पेपर पेस्टिंग को रखते हुए प्रेस करके चिपका लेना है और फिर साइड से 1/2 इंच करीब मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और अब देखिए, हम इस तरह से बराबर में फोल्ड करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेपर पेस्टिंग के साथ जॉइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को जॉइंट कर लिया है फोल्ड करते हुए पेपर पेस्टिंग के साथ। अब हमें ब्लाउज वाले पार्ट को इस तरह से रखना है, यानी नीचे के साइड हमें पेपर पेस्टिंग की जो अस्तर का फैब्रिक वाला पार्ट है वो ऊपर का साइड रखेंगे और ऊपर से मेन फैब्रिक की सीधी साइड नीचे की तरफ करते हुए रखेंगे। और गले पर देखिए, जो हमने कट किया था गले का पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट को बराबर में रखेंगे और अच्छे से गले का मेज़र करते हुए पिनअप कर लेंगे। और इसी तरह से चारों तरफ हमें पिनअप कर लेना है। और अब हम देखिए, साइड से सिलाई करते हुए इसे जॉइंट कर लेंगे। एक पर का मार्जिन लेते हुए गले पे सिलाई करेंगे और पेपर पेस्टिंग के साथ हमें गले का जो पार्ट है, यानी जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसे जॉइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने गले के सिलाई बराबर में कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, चारों तरफ हमें सेंटर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और फिर पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा लेना है। कॉर्नर पे भी कट्स लगा लेंगे, ध्यान रहे सिलाई ना कटे। और फिर अब सीधी तरफ को पलट लेंगे और जो हमारा पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट है, नेक वाले पार्ट पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, उल्टे साइड को पलट लेंगे और गले के कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे, यानी पूरे गले पर हमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने पूरे गले पर टॉप स्टिच लगा दिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और इस पर अब हम टक्स की सिलाई करेंगे। साइड से बराबर में हमें इस तरह से फोल्ड करना है सेंटर वाली तरफ और फिर टक्स की सिलाई कर लेंगे। टक्स की लेंथ हमने यहाँ पर 5 इंच रखा है, 5 इंच। और अब इसी तरह से दूसरे साइड भी फोल्ड करेंगे और टक्स की सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने दोनों साइड टक्स की सिलाई कर लिया है। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच चौड़ी, यानी 1.5 इंच चौड़ी हमें कमर पट्टी लेनी है। ऊपर के साइड बराबर में रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई करेंगे।
तो आप देख सकते हैं सिलाई को मैंने बराबर में कर लिया है। अब पट्टी को इस तरह पलट लेंगे और पट्टी के ऊपर से ही एक टॉप स्टिच लगाएंगे। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और पट्टी को उल्टे तरफ को पलट लेंगे डबल फोल्ड करते हुए। चाहे तो आप तुरपाई कर सकते हैं या फिर रफ स्टिच भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कमर पट्टी बराबर में ज्वाइंट कर लिया है, रफ स्टिच लगा लिया है, तो ब्लाउज की सिलाई हो गई है। इसे साइड करते हैं। अब हम एक पट्टी लेंगे, पट्टी की चौड़ाई 3 इंच है, 3 इंच, और इसे देखिए एक साइड से हमें डबल फोल्ड करना है। बिल्कुल पतली सी पट्टी हमें फोल्ड करना है, यानी बारीक में ही हमें फोल्ड करना है, और पूरे पट्टी पर इसी तरह से हम डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। पट्टी की लेंथ हमने यहाँ पर ज़्यादा ही रखा है क्योंकि हम इस पर छोटे छोटे प्लीट्स डालेंगे, यानी फ्रिल बनाएंगे हम इससे। तो आप देख सकते हैं हमने एक साइड से इसे बराबर में फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया है। अब देखिए दूसरे साइड से हमें छोटे छोटे प्लीट्स इस पर डाल लेना है। बिल्कुल छोटे छोटे प्लीट्स हम इसे इस पर डालेंगे इस तरह से, और इसी तरह से पूरे पट्टी पर प्लीट्स को डालते हुए हमें फ्रिल को रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने बराबर में पूरे पट्टी पे फ्रिल को अच्छे से डाल दिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और ये फ्रिल हमारी बन चुकी है, इसे करते हैं साइड। अब हम और एक डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए देखिए हमें और एक पट्टी लेना है, लगभग 1.5 इंच की पट्टी है। दोनों साइड से बराबर में इस तरह से फोल्ड करेंगे, सेंटर से और एक बार फोल्ड करेंगे और कॉर्नर की सिलाई करते हुए इसे रेडी करेंगे। इसी तरह से बराबर में दोनों साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई करके इसे रेडी कर लेंगे। एक साइड से देख सकते हैं मैंने सिलाई को बराबर में कर दिया है। अब इसी तरह से इसके दूसरे साइड से भी सिलाई करते हुए इसे रेडी करना है। दोनों साइड से मैंने बराबर में सिलाई कर दिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और अब इसे डिज़ाइन के लिए कट करना है। तो 1.5 इंच यानी 1.5 इंच की लेंथ रखते हुए हम इस तरह से लूप्स को रेडी करेंगे फोल्ड करते हुए और बराबर में इसे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो लूप्स है ये रेडी हो गई है, बराबर में मैंने इसे कट कर लिया है। तो इसे करते हैं साइड। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए ब्लाउज़ वाले पार्ट को लेना है और हमने जो लूप्स रेडी किया है एक एक लूप्स को बराबर में हमें जॉइंट करना है। तो ऊपर से देखिए 1 इंच करीब में हमें 1 इंच की गैपिंग हमें छोड़ देना है। उसके बाद एक एक लूप्स को बराबर में फोल्ड करते हुए थोड़े थोड़े गैपिंग के साथ हम इसे जॉइंट करेंगे, यानी सेंटर पे हमें थोड़े थोड़े गैपिंग को छोड़ देना है। उसके बाद ही हमें एक एक लूप्स को जॉइंट करना है। तो आप देख सकते हैं एक साइड मैंने सारे लूप्स को जॉइंट कर लिया है। इसी तरह से अब हम दूसरे साइड भी बराबर में लूप्स को फोल्ड करते हुए जॉइंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड बराबर में लूप्स को जॉइंट कर लिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और इसे आप साइड करते हैं। अब हम देखिए एक स्क्वायर में पट्टी लेंगे, पट्टी की चौड़ाई 3.5 इंच है और कॉर्नर से इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड, और साइड से इस तरह से राउंड में इसे कट कर लेंगे और हैंड स्टिच करते हुए इस तरह से कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। इससे हम फ्लावर बनाने वाले हैं। तो इसी तरह से देखिए सारे पार्ट से, यानी जो हमने स्क्वायर पीस कट किया है सारे पार्ट को हमें राउंड में कट करते हुए सिलाई करके जॉइंट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे फ्लावर्स को, यानी सारे पार्ट को, स्क्वायर पीसेस को सिलाई करते हुए जॉइंट कर लिया है। अब सेंटर पीस पे अच्छे से गांठ लगा देंगे ताकि ये जो फ्लावर ये खुले ना। तो आप देख सकते हैं मैंने बराबर में फ्लावर में अच्छे से गांठ लगा दिया है, नॉट अच्छे से लगा दिया है। अब एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और इसके सेंटर पर चाहे तो आप कोई भी सो बटन भी लगा सकते हैं, और इस पर यूज़ करने के लिए मैंने लटकन भी अलग से बना के रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसे करते हैं साइड। अब हम ब्लाउज़ वाले पार्ट को लेंगे और हमने जो लूप्स यहाँ पर बनाई है सिलाई करते हुए इसके सेंटर पर हमें डोरी को इस तरह से डालना है। तो सारे डोरी के सेंटर पर हम इसी तरह से डोरी को बराबर में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं डोरी को मैंने बराबर में अच्छे से डाल दिया है। अब नीचे के साइड हम इसे सिलाई करके जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, ताकि डोरी बाहर को ना निकले। इसी तरह से दूसरे साइड भी डोरी को अच्छे से डाल लेना है और उसे जॉइंट कर लेना है, और जो ऊपर के साइड एक्स्ट्रा डोरी है इसे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड बराबर में डोरी को डाल दिया है। अब हम इस पर देखिए लेस लगाएंगे। तो गले की कॉर्नर पर पहले ऊपर के साइड हमें लेस को इस तरह से घुमाते हुए बराबर में जॉइंट करना है।
एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा धागे को भी कट करेंगे और इसी तरह से अब हम दूसरे साइड भी लेस को ज्वाइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड मैंने लेस को ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए नीचे का साइड हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो हमने जो ये फ्रिल बनाई है गले के कॉर्नर पे देखिए इस तरह से बराबर में पहले अच्छे से चेक कर लेना है सेट करते हुए, और फिर बराबर में गले के कॉर्नर पे हमें फ्रिल को अच्छे से ज्वाइंट करना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं फ्रिल को मैंने ज्वाइंट कर लिया है। इसके साथ देखिए साइड से हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट करना है। दोनों साइड मैंने फ्रिल को प्रॉपर में ज्वाइंट कर लिया है साइड से। अब इसके ऊपर देखिए हमें लेस लगाना है। तो इस तरह से देखिए लेस को बराबर में कॉर्नर के साइड हमें रखना है और फिर ज्वाइंट कर लेना है सिलाई करते हुए। तो आप देख सकते हैं लेस को मैंने बराबर में ज्वाइंट कर लिया है। एक्स्ट्रा लेस को कट करेंगे और हमने जो फ्लावर बनाई है फ्लावर के देखिए हमने कॉर्नर पे सेंटर पे जो हमारा ये कॉर्नर है इसके सेंटर पे पहले इस वाले लटकन को बराबर में रखना है और इस तरह से फ्लावर को अच्छे से रखते हुए हैंड स्टिच करते हुए इसे जॉइंट करना है बराबर में इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से जॉइंट कर लिया है और उल्टे तरफ हमें इस पर अच्छे से नॉट लगा देना है ताकि जो फ्लावर है वो बाहर को ना निकले। एक्स्ट्रा धागे को मैंने कट कर लिया है। तो आज के ये हमारी ब्यूटीफुल सी ब्लाउज की डिज़ाइन रेडी है। आज की ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की ये डिज़ाइन अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।